सो हे एवरीबॉडी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ GT2 की डिस्प्ले के बारे में और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अभी मैं 5-6 वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा अभी, एक जिसमें मैं दो दो के पेयर में ना अच्छे से, क्योंकि मेरे को अब 10 दिन हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इसको अच्छे से यूज़ करके। मतलब हर सिचुएशन में मैंने अभी इस फ़ोन को यूज़ कर लिया है सिवाय पानी के। तो मैं आपको एक 5-6 वीडियो की सीरीज़ होगी जिसमें दो दो के पेयर में मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब दो पेयर का मतलब, जैसे कि अब इस वीडियो में बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के बारे में बनाऊंगा, फिर अगले में कैमरा और परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस तरह से हम आगे टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके जितने भी बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे क्लियर कर दूंगा आपको। मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, देखो मैं मतलब आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा मतलब कोई यूट्यूब वगैरह नहीं करता मतलब परस्यू, तो एडिटिंग वगैरह भी मैं नहीं करूँगा। बट आपको एक जो मतलब प्योर फॉर्म कह सकते हो आप इस रिव्यू की, वो मैं आपको दूंगा। मतलब क्योंकि मैंने खुद के लिए ख़रीदा है और अच्छे से यूज़ कर रखा है मैंने इस वजह से, ताकि आप अपने डिसीजन में मतलब एक हेल्प हो पाए आपके डिसीजन में। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो प्रोज और कॉन्स भी मैं अभी बताऊँगा आपको। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ऐसी है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कैमरा 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा है और यहाँ पे सुपर मैक्रो कैमरा है, ये फ्लैश है और ये सेंसर है। इसके साइड में दो वोल्ट पावर बटन है और यहाँ पे एक सिम इजेक्टर पिन है। मतलब इसमें आप दो ही सिम डाल सकते हो, कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। ये माइक है और ये माइक की जो मतलब राउंड सी शेप है इससे अलग कर रखी, तो ये मतलब ठीक है, इसमें आप बार बार पिन दोगे देखे गलती नहीं करोगे। और इसके बाद ये हमारा टाइप सी पोर्ट और ये हमारे स्पीकर सामने डिस्प्ले मिल जाती है। अगर ऊपर को देखे, ऊपर यहाँ पे भी एक माइक है और ये इसके सामने स्पीकर है और यहाँ पे पंच होल कैमरा है। अब पॉइंट्स में बात करते हैं और यहाँ पे पावर बटन है। पावर बटन में इन्होंने टेक्सचर दे रखा है एक हल्का सा, मतलब जैसे अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, और साइड में नहीं है इसके, ठीक है, इन दोनों में, ये भी प्लास्टिक के ही है बटन भी, इतना दिक्कत नहीं करते क्योंकि मैंने इससे पहले फ़ोन चलाया और मतलब जितने फ़ोन चला रखे हैं उनमें प्लास्टिक के, और कोई दिक्कत नहीं देते। अब इसकी हाथ में इन हैंड फील की बात करूँ तो हाथ में, मेरा हाथ थोड़ा बड़ा है तो मेरे हाथ में अच्छे से आ जाता है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92.6% है, जो कि बढ़िया है। अब देखोगे आप, मेरे हाथ में अच्छे से आ रहा है। और मतलब जब हाथ में आप इसको होल्ड भी करते हो किसी किसी भी एंगल से, तो आपको अनकम्फर्टेबल तो कहीं से फील नहीं होता, लाइट वेट लगता है और अच्छा मतलब बढ़िया बिल्ट है। अब जो पीछे एक, यहाँ पर देखो ये साउंड आ रखी है, अब जो पीछे जो इन्होंने बता रखा है पेपर बैग, तो डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इससे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो पेपर बैग है वो 40% है बस रिसाइकल, बाकी जो 60-70% है वो अभी पॉलीमर ही मिला हुआ है इसमें, मतलब टिपिकल प्लास्टिक। बट इससे ये नहीं है कि आपको मतलब ये बजट वाला फ़ोन फील होता है या मतलब हाथ में प्रीमियम फील नहीं होता है, देखते हैं जब प्रीमियम फील नहीं होता। और मैंने अभी तक जितनों को भी मतलब ये फ़ोन, जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको जिनको ये फ़ोन दिखाया, सबने कहा कि मतलब देखने से भी और पकड़ने से ही बहुत प्रीमियम फील होता है। अब जो पीछे कलर दे रखा है ना, ये नो डाउट ये मैला हो जाएगा, बिल्कुल मैला हो जाएगा, पेपर ग्रीन है ये मैला हो जाएगा, बट अभी भी देखोगे ना मतलब बढ़िया लग रहा है, सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जितनी आसानी से गंदा होता है ना उतनी आसानी से साफ भी हो जाता है। अगर आप इसको एक गीले कपड़े से साफ करोगे तो अच्छे से साफ हो जाता है, और रबड़ से भी करके देखोगे ना, रबड़ से एकदम से वहीं से जहाँ से साफ करोगे वहाँ से ब्राइट हो जाएगा ये। और इसकी एक और अच्छी बात है कि अगर आप इसको कवर में यूज़ करके रखोगे ना, तो कवर में आपको इसके साथ ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि अगर प्लास्टिक बैग है तो कवर में यूज़ कर रखोगे तो उसमें ना
स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे 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 स्पॉट्स हो जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो बहुत बेकार लगते हैं। प्लास्टिक बैग तो बिल्कुल बेकार हो जाती है, और जो ग्लास बैग होती है उसमें भी ना छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उस पर कुछ लग गया है और वो हटता नहीं है आसानी से। तो वैसी प्रॉब्लम तो इस बैग के साथ नहीं आने वाली, तो बैग इसकी बहुत बढ़िया है। और अगर आप चूज़ करना चाहते हो ग्लास बैग और पेपर टेक्नोलॉजी के बीच में, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा और यूज़ करके देखो, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ये सिग्नेचर है जिसने डिज़ाइन किया हुआ है, और रियलमी का लोगो है जो चमकता है, बढ़िया बात है। अब जो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके बिल्ड के साथ आई ना, वो ये आई कि जो इसके जो वॉल्यूम बटन्स है, वैसे वॉल्यूम वॉल्यूम बटन्स के साथ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इतनी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम करते हैं, हैप्टिक फीडबैक भी बहुत बढ़िया है। बट ये इस साइड है ना, और मेरे को यहाँ की आदत है इसकी एक ही साइड में, अगर ये एक ही साइड में होते तो अच्छा होता है। बट इसका भी एक फ़ायदा है कि आप जब भी गेम खेलते हो, अगर ऐसे ही पकड़ो आप या फिर ऐसे पकड़ो, तो वॉल्यूम बटन्स ना, पहले में अगर यहाँ पे होते थे वॉल्यूम बटन्स ऐसे रखो ना, तो ये फिंगर से ना वॉल्यूम पर नीचे हो जाती थी, बट इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और बिल्ड के बारे में आप सामने देख रहे हो, पंच होल कैमरा बहुत छोटा सा है। और एक बात बताऊँ, अगर आप इसके पीछे बैक कवर चढ़ा लो, और जैसे मैं भी ऑन कर दिया मैंने, अब इस एंगल से अभी आप देख रहे हो ना फोन, तो बिल्कुल प्रॉपर वन प्लस ही लगता है आगे से, बस इसके ऊपर की थोड़े आइकन वगैरह चेंज हुए, तो प्रॉपर वन प्लस लगता है, ऐसा लगता है 1+8 है या फिर 8 प्रो है, ऐसा ही लगता है बिल्कुल आगे से। और जैसे कि आप जानते हैं, ये बीबी के टेक के अंडर में आती है सारी कंपनी। तो अब मैं अगर बिल्ड के बारे में बात करूँ, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा बिल्ड की क्वालिटी में। और अभी एक मैंने देख रहा था, मैं सर्च कर रहा था कि यार अभी ना इस पे एक ऑफर भी आया हुआ था कि SBI पे अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप इसकी EMI करवाते हो ना, तो आपको समथिंग अराउंड 10,000 और 20,000 25,000 में फ़ोन मिल जाएगा। तो यार देखो, यहीं पे आके जो ये चाइनीज़ का ब्रांड होती है ना, यहीं पे आके अपनी वैल्यू ख़त्म कर देती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बेकार बात लगती है कि अभी तो मतलब ये 30 का तक, अगर ये 6 महीने 8 महीने बाद ये चीज़ होती तो एक बात को ठीक भी लगती है, ठीक है कोई बात नहीं। बट आप एकदम से नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हो और उस पर इतना मतलब 25,000 का वो दे रहे हो, जो आप अगर नए कस्टमर्स हैं उनको तो अट्रैक्ट कर रहे हो, वो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप फ्लैगशिप में आके और प्रीमियम फोन्स में आके ये चीज़ करते हो ना, जो आपके करंट कस्टमर होते हैं, तो उनके साथ ये डिसएडवांटेज हो जाती है। और देखो, ये मैंने अभी रियलमी का फ़ोन लिया है, रियलमी के फ़ोन अगर ये इसमें सॉफ्टवेयर अच्छे से देते हैं, अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छे से रखते हैं, जैसे सैमसंग रखता है, सैमसंग में मंथली पैचेस आते रहते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो उस नज़रिए से देखो तो बढ़िया है। बाकी अगर ये चीज़ होगी ना, तो मैं शायद इस फ़ोन इस ब्रांड को दोबारा से ना लूँ मैं, अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छे ना दे मेरे को। बाकी फ़िलहाल अभी सॉफ्टवेयर अच्छा है। अब आते हैं डिस्प्ले के बारे में आते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी में 10 आउट ऑफ 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है सब चीज़ में। और ये बिल्ड डिस्प्ले में अगर देखो, तो आपको अब मैं डिस्प्ले के जो रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सब सब क्लियर कर दूंगा। पहले एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। अगर हम इसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देखो, GT2 ही है। हाँ, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें ना डिस्प्ले की, तो देखो पहले तो 120 Hz एमोलेड डिस्प्ले है। E4 पैनल का मेरे को नहीं मतलब पता क्या है, मतलब E4 पैनल इसका क्या लॉजिक है। सबसे पहले स्क्रीन साइज़ है जो 6.62 है, 92% मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि ठीक है, बढ़िया है। बट अगर 94 देते तो और बढ़िया होता, और एक इसको बाकी जितने से कॉम्पिटिटर्स है ना, उनसे एक अलग स्टैंड आउट करता हूँ और एक काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। बट कोई नहीं, ये भी ठीक है, 6.62। अगली जो टॉपिक है वो होता है रेजोल्यूशन, Full HD+। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज होती है कि 2K डिस्प्ले, 4K डिस्प्ले, Full HD+, मतलब क्वाड डिस्प्ले कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो यार, अब ये 6.6 इंच की डिस्प्ले है, तो अगर आप इसमें 1080p डिस्प्ले भी लेते हो ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2K डिस्प्ले के जाते हो, आपको फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी डिस्प्ले है। देखो मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ,
इसमें पिक्सल्स नहीं दिखेंगे बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ऐसे कैमरे की बिल्कुल पास ले आके फोकस करोगे, जब भी आपको पिक्सल्स नहीं दिखते नेकेड आई से, तो उससे कोई मेरे ख्याल से वो कोई लॉजिक नहीं बैठता कि अगर मान लो कि इसी रेंज में कोई 2K डिस्प्ले दे रहा है तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा करेगा और डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेजोल्यूशन के मामले में ख्याल से स्मार्ट प्ले किया और बढ़िया बढ़िया चीज़ है, इससे आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा 2400x1080p पिक्सल्स यूज़ करके। अब आते हैं पीक ब्राइटनेस पे, आते हैं इसकी जो 1300 nits है और जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट सनलाइट में भी गया हूँ, मैं 1-2 घंटे तक उसमें रहा भी हूँ, फ़ोन भी यूज़ किया है, मतलब 20-25 मिनट यूज़ किया, तो उसमें आपको कोई भी टेक्स वगैरह पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की आपको उसमें दिक्कत नहीं होती अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में चले जाओ तो। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं, और 1300 nits इनफ है, मोर देन इनफ है, अनटिल अनलेस आप ऐसे मतलब राजस्थान के एरिया में रहते हो बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो ठीक है, 1300 nits परफेक्ट है। कलर कॉन्ट्रास्ट भी परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कलर गैमिट है वो 100% DC IP3 है, जो कि मतलब 100% कलर गैमिट आपको निकाल के देता है। ब्राइटनेस एडजस्ट लेवल ऑटोमेटिक LTPO टेक्नोलॉजी को मैंने मतलब इसमें ना आपको बताई थी, इसमें ग्लिच था, जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले में जाओगे ना, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट में अगर मैं इसको ऑटो सेलेक्ट कर दूँगा ना, तो ये 0 नहीं 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये अभी तो इतना मतलब स्टेबल नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। और देखो बैटरी, आज इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, अगर आप 120 हर्ट्ज में प्रॉपर रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूँगा 120 हर्ट्ज में रखो। और अगला जो स्पेसिफिकेशन है इसकी, कॉर्निंग और इला ग्लास 5, और सीधी सी बात है सभी के सभी अपने फ़ोन पे ये सभी के सभी अपने फ़ोन पे टेम्पर ग्लास तो यार चढ़वाए रहते हैं, तो गोरिल्ला ग्लास सेंस करता है, बट बढ़िया है, स्टैंडर्ड है गोरिल्ला ग्लास। अब आते हैं इसके डिस्प्ले के, जो कलर्स वगैरह एक अब जिसके कलर्स वगैरह है वो बहुत बढ़िया है, मतलब कोई भी मेरे को तो दिक्कत नहीं हुई रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वे में कोई भी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। अब इसमें ना इसके जो कंप्यूटर्स है उसमें MEMC कोई मतलब अलग से चिप करके नाम में आती है, मतलब चिप आती है जो डिस्प्ले की क्वालिटी देखती है। अब इसमें भी O1 Ultra Vision इंजन दे रखा है, जिसको आप GT मोड ऑन करते हो, ये बहुत मस्त है, तो ऑन हो जाती है, और अगर आप इसको ऐसे भी टर्न ऑफ कर सकते हो और GT मोड ऑफ करते ही ये भी बंद हो जाएगी। और अगर आप इसकी डिस्प्ले में डिस्प्ले की सेटिंग में जाओगे ना, तो डिस्प्ले की सेटिंग में ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप इसको ऑन कर दोगे जब भी ये ऑन हो जाएगा, तो वीडियो कलर इन्हेंस को जब ऑन करोगे जब भी ये ऑन हो जाएगा, और अगर वीडियो मोशन इन्हेंस को अगर आप करोगे जब भी ये ऑन हो जाएगा, और ब्राइट HDR वीडियो मोड ये भी वर्क करता है, और ये जितने में मोड दे रखे हैं ना सब वर्क करते हैं और सब इम्पैक्ट करते हैं डिस्प्ले को, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ऐसा नहीं है मतलब कोई गिमिक बता रखा हो, सच्ची में सारे काम करते हैं। और अगर आप इन ये दो तो एक साथ ऑन हो जाते हैं, बट ये जो वीडियो मोशन इन्हेंसमेंट मोड है ना, अगर ये ऑन होता है तो ये दोनों ही ऑफ हो जाते हैं, तो ये चीज़ देख लेना। और ये ब्राइट HDR जितने दे रखा है सब वर्क करते हैं। अब कंपनी ने स्पेसिफिकली बताया तो नहीं है कि मतलब ये अलग से इन्होंने चिप डाल रखी है, बट मेरे को ये लगता है कि हाँ उनमें हाईलाइट करके बता रखा है ताकि उनका एक प्लस पॉइंट हो जाए, बट इसमें मेरे ख्याल से वो चिप है। देखो अब ये पूछे क्या ऑन करना है, तो और ये वर्क करता है। अब डिस्प्ले को सेटिंग देखे ना, तो जैसे डार्क मोड सेटिंग पे जाओगे तो ये बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को कि इन्होंने 3ों मोड दे रखे हैं और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सनलाइट के हिसाब से, मैंने इसको इन्हेंस भी कर रखा है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और ऑटो ब्राइटनेस, अब ऑटो ब्राइटनेस पे अगर आऊँ ना मैं, तो अगर बाहर जाते हो तो ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से काम करता है, सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है, बट जब आप इंडोर में आते हो ना और ऑटो ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो, तो मेरे को मतलब एक जैसे नॉर्मल होती है ना जो परफेक्ट होती है, परफेक्ट से थोड़ी सी कम लगती है, तो मेरे को हल्की सी यहाँ से ऐसे बढ़ानी पड़ती है, बाकी नहीं तो ये सही काम करती है। आई कंफर्ट मोड भी अच्छे से काम करता है, वार्म स्क्रीन और ऑटो रोटेट आपको बताइए, और ये स्क्रीन डिस्प्ले के बारे में आते हैं। अब आते हो और ये फॉन्ट एंड डिस्प्ले का
भी ऑप्शन दे रखा आपको, जैसे हिसाब से आप चाहो अपने उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और वॉलपेपर्स में आपको ये बहुत सारे वॉलपेपर्स दे रखे हैं। ऑटो स्विच भी आप कर सकते हो, मतलब टाइम के हिसाब से, ये मतलब जो भी आपका जहाँ पे आप रहते होंगे इस लोकेशन के हिसाब से आपको ये सेट कर देगा आपकी। और जो डिस्प्ले डार्क मोड या वाइट मोड में। अब एक मेरे को चीज़ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, वो थी ये स्टेटस बार में, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ पे गया मैं, और इसमें अगर आप आओगे नोटिफिकेशन और स्टेटस में, और स्टेटस बार में अगर आप आओगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो बैटरी स्टाइल। यहाँ पे वर्टिकल मैंने कर दिया था और ये अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं यार, ये सही लगते हैं। और बैटरी परसेंटेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सारे बहुत सारे थे मैंने, मतलब जैसे एक यार ये पड़ेगा लगता था वो आएगा, ये मैंने बंद कर दिया। ये स्पीड का दे रखा आपको, तो ये फीचर का ध्यान रखा गया है। और यही जो चीज़ होती है ना, इन डिवाइसेस को स्टॉक एंड्रॉयड से थोड़ी सी ना एडवांस बनाती है। स्टॉक एंड्रॉयड तो बिल्कुल ही क्लीन होता है, बट ये कुछ फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं ना, तो ऐसा बढ़िया लगता है बिल्कुल। और डिस्प्ले के बारे में क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्विक डिवाइस कनेक्ट कहाँ से बंद करना है, तो यहाँ से बंद करना आपको कनेक्ट और शेयरिंग के सबसे लास्ट में जाना है। और अभी डिस्प्ले यूट्यूब पे अगर अब मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे 4K HDR वीडियो है जो वो सपोर्ट करती है, जैसे 4K सपोर्ट करता है, और इसमें नेटफ्लिक्स में सपोर्ट नहीं करता 4K, तो इसमें 4K सपोर्ट नहीं करता, मतलब HDR सपोर्ट नहीं करता नेटफ्लिक्स में। तो मेरे ख्याल से अपडेट के थ्रू कंपनी दे ही देगी, इस अपडेट में तो दे ही देगी, क्योंकि प्रीमियम फ़ोन है इनका। और डिस्प्ले क्वालिटी बात करूँ तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में भी आपको सारी मिल जाती है, आपको जितनी भी है HDR का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अब इस स्क्रीन की क्वालिटी का थोड़ा सा आप देख लो, देखो इसमें ना थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हो। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो डिस्प्ले को मैं 10 out of 9.5 दूंगा, और 9.5 भी मैं आधा पॉइंट भी जो काटा है मैंने वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की वजह से काटा है, बाकी इस डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ख्याल से वेरी कर सकता है थोड़ी, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, बट स्क्रीन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप बढ़ा के देख लेना इसमें। देखो ये जिस हिसाब से एमोलेड है ना, तो उससे उसके हिसाब से बहुत अच्छे कलर शो करता है ये। तो डिस्प्ले के मामले में 10 out of 10 दूंगा। और एक मैंने जो पिछले से पिछली गेमिंग वीडियो बनाई थी ना, मतलब पहली जो मैंने गेमिंग वीडियो बनाई थी उसमें ना एक ने कमेंट में लिख रखा था कि आपकी ना फ्लिकर हो रही है इशू। तो पहली बात तो ये कि एमोलेड सभी फ्लिकर होती है, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बजट एमोलेड होती है वो ज़्यादा फ्लिकर होती है। फ्लिकर होने से आपकी आंखों में दर्द होता है, बट इसमें फ्लिकर होती है बहुत माइनर होती है, और उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है इसमें। अगर आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में सबसे लास्ट में तो रियलमी लैब्स करके, और यहाँ पे DC डिमिंग अगर आप ऑन कर दोगे ना तो ये काम करता है। और जो इसका ऑटो डिस्प्ले भी है ना, मतलब ऑटो ब्राइटनेस का है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। अगर आपने कम मतलब अगर आप बजट फ़ोन से स्विच हो रहे हो तो बजट फ़ोन में इतने एक्टिवली काम नहीं करता, बट इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और जो डिस्प्ले है ना इसकी, डिस्प्ले में भी अगर आप लॉन्ग टर्म में मतलब बात करते हो, मतलब कान पे लगा के बात करते हो, तो फेस पे आपके वार्म नहीं महसूस होता है 1-2 घंटों की कॉलिंग के बाद भी। तो ये भी अच्छा फीचर लगा मेरे को। और डिस्प्ले क्वालिटी जैसे आप देख ही पा रहे हो, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर तो अभी तक गलत नहीं होता, मतलब हमेशा कैच कर लेता है। और एक और इसमें चीज़ है कि सेटिंग में अभी हम जाते हैं तो डिस्प्ले में आई थिंक डिस्प्ले में स्क्रीन कलर मोड भी आते हो, तो ये डिफ़ॉल्ट आपको वेयर्ड मिलता है, और आप इसको नेचुरल सेट करते हो तो कलर फीकस हो जाते हैं थोड़े, बट आइस को ये ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो यही सही है। बाकी डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दो एरिया है फ़ोन के, बिल्ड और डिस्प्ले, इसमें मुझे आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना,
और कमेंट कर देना, दोनों में से एक चीज़ कर देना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मैंने किसी की हेल्प करी है, और कमेंट में अपनी ब्लेसिंग्स दे देना बस। और आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो मैं इस फ़ोन के रिलेटेड क्या क्या नई वीडियोस ला सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो इसकी बना दूंगा। थैंक यू।